चलिए चंद, आज आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे नाइलेट से एसीसी का कोर्स कर चुके हैं या फिर बीसीसी का कोर्स कर चुके हैं। ये सारे नाइलेट के संबंधित कोर्स हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रिपल सी अगर आपने किया या फिर आपके पास है ट्रिपल सी एक प्लस का सर्टिफिकेट होता है। ये जो चार कोर्स अगर आपने नाइलेट से पास किए हुए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या डायरेक्ट के माध्यम से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके पीछे और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिर्फ ट्वेल्थ पास हो और नाइलेट की ये सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन बच्चों के पास ये क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो चलिए आपको मैं पोस्ट दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से है। तो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है वो चंडीगढ़ में है, ठीक है, जिसमें वैकेंसी आई है कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें कि ये सारी डिमांड आपके लिए की गई है। तो इसकी डेट आप देख लीजिए, 1/6 से स्टार्ट हुई है, 22/6 तक चलेगी, ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी इसमें मेंशन कर दी गई है 23 जुलाई, ठीक है। और फीस इसमें जनरल ओबीसी की 1000 है, एससी की और ईडब्ल्यूएस की 800 रुपये इसमें फ़ीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो दिया गया है नोटिफिकेशन, आपका जो एज है वो 18 से 25 होना चाहिए, बाकी जो है छूट इसमें दी जाएगी। अभी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी छूट है। और टोटल जो है 700 वैकेंसी हैं, तो अच्छी मात्रा में है। और देखिए 10+2 मांगा गया है सिर्फ, और कंप्यूटर कोर्स एसीसी बीसीसी ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी डिटेल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है उस पर। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सेम वही डेट यहाँ पे सब मेंशन की गई हैं, और 700 जो है टेम्प्रेरी पोस्ट यहाँ पे आई हैं जो कि 7th पे कमीशन के अनुसार इसमें ज्वाइनिंग आपकी ली जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कितनी वैकेंसी है मेल फीमेल कैंडिडेट की, यहाँ पे टोटल दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए आप, एज दिया गया है 18 से 25 है जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 28 है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 18 से 30 है एससी कैटेगरी के लिए। तो ईजिली कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है मेन मान से। तो अगर आपके पास ये सारी एज है और आपकी कैटेगरी है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, ठीक है। और बाकी एज में और छूट मिलेगी, जो स्टूडेंट या जो कर्मचारी पहले से ही एक्स सर्विस मैन है उनको और छूट यहाँ मिल रही है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है आपके लिए क्वालिफिकेशन, आपका सिर्फ 10+2 इक्विवेलेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, एक ड्राइविंग इसके लिए इसमें मांगी गई, यानी कि ड्राइविंग का चलाना आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आपका जो है लाइसेंस बना होना चाहिए 2 व्हीकल और 4 व्हीकल का, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है मेल कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, जिनके पास हो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और कंप्यूटर स्किल्स जो है आपका वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और ये कुछ 5 नवंबर 2018 चंडीगढ़ में कुछ दिया गया डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ से भी आप अगर आपने किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फीस आपको मैंने दिखाई दी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हाँ ये देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया कट ऑफ जो है, जनरल कैंडिडेट का 40% है, एससी कैंडिडेट का 35, ओबीसी का 35 और एक्स सर्विसमैन का 30% यहाँ पे कट ऑफ दिया गया। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 0.5 इसमें जो है आपका रॉन्ग आंसर पर रहेगा, और द क्वेश्चन फॉर द रिटर्न टेस्ट जो होगा सेल भी हिंदी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा और पंजाबी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में तो जाहिर सी बात है। उसके बाद आपके लिए एक बोनस मार्क मिलेंगे आपको, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मिलेगा, ठीक है, एनसीसी का बी है तो 3% और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है 2% आपको मैक्सिमम मार्क इसमें ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आपके लिए अच्छा है। और बाकी इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा PEMT के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मेल कैंडिडेट का जो है 1600 मीटर का रेस इसमें रखी गई है, ठीक है, और फीमेल का 800 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है कितने मीटर में आपको करना है, मेल के लिए 3.9 और फीमेल के लिए 2.74, हाई जंप है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका बहुत सारे इसमें जो फीकल हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे एक्टिव हैं पहले से, जो बच्चे पहले से ही ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहे हैं फिजिकल जॉब्स के लिए, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट होगा। बाकी जो एकदम फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सिर्फ 23 जुलाई को है, उसके बाद आपके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए मेरे मान से 2-3 मंथ का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और अप्लीकेशन अप्लाई करने का जो लिंक है यहाँ पर दिया गया है, अप्लाई फॉर कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव पर क्लिक करके
यहाँ से आप अपना फॉर्म जो है ईजिली फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, इस पर आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आगे का फॉर्म आप भर के डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट करके सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर। लिंक आपको यहाँ पर दिया गया, चंडीगढ़ पुलिस .gov.in पे आपको जाना है और ये फिलअप करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही लेटेस्ट वैकेंसी आपके लिए है जो कि ACC, CCC और CCC+ स्टूडेंट के लिए आई हो।